अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर रफीक फ्रॉम 5G प्रॉपर्टीज़, जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी का नंबर वन सेल्स पार्टनर है। हार्मनी पार्क ओवरसीज़ ईस्ट का मैप रिवील हो चुका है। आपको हार्मनी पार्क ओवरसीज़ ईस्ट का मैप दिखाते हैं और फिर उसकी ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट की फुटेज दिखाते हैं। ये हार्मनी पार्क ओवरसीज़ ईस्ट की लोकेशन ओवरसीज़ ईस्ट के सेक्टर ई के बिल्कुल सामने है, रिजर्व एरिया के बिल्कुल सामने। अब हम जूम करते जाएंगे मैप को, रिजर्व एरिया के सामने से फिर इसको ब्लॉक बाय ब्लॉक या स्ट्रीट बाय स्ट्रीट इसका एनालिसिस करते हैं। ये जो आप अपने सामने रिजर्व्ड येलो कलर के प्लॉट्स देख रहे हैं, 3.5 मरला के विला अपार्टमेंट्स हैं और 5 मरला के विला अपार्टमेंट्स हैं। ये तमाम येलो कलर की पट्टी 3.5 मरला और 5 मरला के विला अपार्टमेंट्स की है। कुछ स्ट्रीट्स 30 फीट की हैं और कुछ स्ट्रीट्स 40 फीट की हैं। यहाँ से अब आप ऊपर जाएँ तो एक ड्राइववे बनाई हुई है जिसके इर्द गिर्द ब्राउनिश कलर के ये कमर्शियल्स हैं। कमर्शियल्स की पार्किंग के लिए 18 फीट की पार्किंग को मुख्तस किया गया है, उसके अलावा 24 फीट वाइड स्ट्रीट है और नियर बाय ग्रीन एरिया इन कमर्शियल्स की खूबसूरती को चार चांद लगा देगा। हमने पार्क ओवरसीज ईस्ट के मैप में देखे हैं तो मोस्टली 5 मरला का साइज इस ब्लॉक में ज़्यादा है। वजह यही है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट ने ऐलान किया था कि तमाम विला अपार्टमेंट्स जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट ने लॉन्च किए थे वो इस ब्लॉक में एलोकेट होंगे। 36,10,000 रुपये से लॉन्च होने वाला विला अपार्टमेंट की करंट लेटेस्ट प्राइस 64 लाख रुपीज़ है। 25 दिन में पैसे तो डबल नहीं हुए लेकिन एक साल में पैसे डबल ज़रूर हो गए। आप देख सकते हैं पार्क के लिए 3.5 कनाल का एरिया, मस्जिद के लिए भी 3.5 कनाल का एरिया और स्कूल 6 कनाल के ऊपर है। मैक्सिमम स्ट्रीट साइज़ 40 हैं और इनके इर्द गिर्द कमर्शल और विला अपार्टमेंट्स के तमाम रहायशियों के लिए एक हेक्टिक रश वाला एरिया ये होने वाला है। स्टैंडर्ड 18 फीट की पार्किंग एरिया इन कमर्शियल्स के लिए मुख्तस की गई है और स्कूल की रश होने की वजह से एक वाहिद 50 फीट की ही रोड है पूरे मास्टर प्लान पे जो कि स्कूल फेसिंग है। वो ऑफ वाइट कलर में 3.5 मरला के प्लॉट्स हैं और येलो कलर में 3.5 मरला और 5 मरला के विला अपार्टमेंट्स हैं। इनके बीच में छोटे छोटे से पार्क रखे गए हैं। इसके अलावा इनमें जो विला अपार्टमेंट्स राइट साइड पे आप देखें लेक फेसिंग, वो और ये वाले जो प्लॉट्स हैं 3.5 मरला के, ये बड़ी प्राइम वैल्यू रखते हैं। जबकि स्ट्रीट नंबर 1 की निचली सतह पर ये जो आप प्लॉट्स देख रहे हैं इनकी बैक साइड पर हाई राइज लेक व्यू अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग होगी। प्राइवेसी वाइज ये प्लॉट्स मेरी नज़र में लीस्ट फेवरेट हैं। स्कूल के साथ ये जो कमर्शियल एरिया इन्होंने रखा है ये अपनी मिसाल आप होगा, अच्छी वैल्यू रखता होगा। जबकि पूरे हार्मनी पार्क ओवरसीज ईस्ट में इन्होंने एक ये जाती की है कि ये कमर्शियल्स को रिजर्व कर दिया है जो कि हेल्थ क्लिनिक के सामने हैं। ब्राउनिश कलर में ये कमर्शियल्स को रिजर्व कर दिया है। वजह यही है कि ये 1.5 कनाल का जो क्लिनिक है ये यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा फार्मेसीज़ को या प्राइवेट क्लिनिक्स को। इनको महंगे दामों बाद में न्यू रेट्स के ऊपर जो कि ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं उसके ऊपर सेल आउट कर दिया जाएगा। पूरी इस बैलेटिंग में सिर्फ एक ही मुझे कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट से गिला है कि तमाम अच्छी लोकेशंस को ये रिजर्व कर देते हैं। ओवरसीज सेंट्रल में भी ऐसा ही हुआ, ओवरसीज प्राइम में भी हुआ और अब हार्मनी पार्क ओवरसीज ईस्ट में भी हो गया। अब ये देखें कितनी प्राइम लोकेशन का कमर्शियल है जो ब्राउनिश कलर में इन्होंने रिजर्व कर दिया है, 4 मरला का है, जिसमें पार्किंग के लिए 18 फीट की स्ट्रीट को फिक्स कर दिया है। इसके अलावा ड्राइववे 24 फीट वाइड है। ओवरसीज सेंट्रल के हार्मनी पार्क की बनस्बत इस हार्मनी पार्क पर रश कम होगी, फैमिलीज के लिए ज़्यादा सूटेबल है। आइए अब चलते हैं एक्चुअल फुटेज के ऊपर और इसकी एनालाइजेशन करते हैं कि इर्द गिर्द कितना हसीन मंजर है ओवरसीज ईस्ट के हार्मनी पार्क ब्लॉक का। दो साइड से दो खूबसूरत झीलों से कवर्ड हार्मनी पार्क का ओवरसीज़ ईस्ट ब्लॉक अपनी खूबसूरती की वजह से ज़रूर जाना पहचाना जाएगा। वीडियो 29वें रमज़ान की रिकॉर्डेड है इसलिए मशीनरी सारी छुट्टी के ऊपर है और वापस से यहाँ पर डेवलपमेंट का काम अब ईद के बाद शुरू हो चुका है। कटिंग का काम यहाँ पर शुरू है, होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर लेवलिंग का काम मुकम्मल हो चुका होगा और फिर नेक्स्ट ईयर से यहाँ पर पोजीशन मिलना शुरू हो जाएगी। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर सेक्टर ई है,
ओवरसीज़ ईस्ट का, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड के ऊपर आ रहा है हार्मनी पार्क ओवरसीज़ ईस्ट। हार्मनी पार्क ओवरसीज़ ईस्ट में 6 कनाल का स्कूल है, 3.5 कनाल का पार्क है और 3.5 कनाल की मस्जिद है। इसी की लेफ्ट साइड के ऊपर एक गंदली सी झील है जिसका पानी को फिल्टर किया जाएगा, चौड़ा किया जाएगा और एक खूबसूरत 2-साइडेड रिवर फेसिंग ब्लॉक बनाया जाएगा। इर्द गिर्द की टेरेन से आप इसका कंपैरिजन करें तो हाइटेड लोकेशन के ऊपर है, एक अच्छा आपको माउंटेनियस व्यू इस ब्लॉक से मिलता है। लो कॉस्ट बजट में 3.5 मरला हार्मनी पार्क ओवरसीज़ में रेजिडेंशियल फैमिली वाइज इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इसी हार्मनी पार्क ओवरसीज़ ईस्ट में 3.5 मरला के प्लॉट्स हैं और 3.5 मरला और 5 मरला के विला अपार्टमेंट्स हैं। विला अपार्टमेंट की प्राइसिंग को देखा जाए तो 3.5 मरला का विला अपार्टमेंट 26 लाख रुपए का था और 5 मरला का विला अपार्टमेंट 36,10,000 रुपए का था। 4 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान था जबकि नई प्राइसिंग रिलीज़ हो चुकी है जिसमें प्राइसेस डबल हो गई हैं। अब अप्रॉक्सीमेटली 64 लाख रुपीज़ का आपको यही 5 मरला का विला अपार्टमेंट मिलता है। अभी भी रीसेल में प्रॉफिट्स बहुत ही मिनिमम में, इंटरचेंज पर जैसे ही मशीनरी डिप्लॉय होगी आपको यहाँ पर बहुत शॉर्ट टाइम में अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। वीडियो की क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा है, इस वीडियो में आप इसकी ब्यूटी का अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। यहाँ पर इसकी ब्यूटी को मेरे एक्सप्लेन करने के लिए अल्फाज नाकाफ़ी होंगे। ओवरऑल बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है जिन्होंने ओवरसीज़ ईस्ट में रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट की है। ओवरसीज़ ईस्ट जो कि 2019 में बैलेटिंग हुई और बहुत ही शॉर्ट टाइम में लोगों को यहाँ पर पोजीशन दी गई, नेक्स्ट 3 से 4 सालों में सबसे पहला जो एरिया कैपिटल स्मार्ट सिटी में डेवलप होगा वो यही एरिया होगा। हार्मनी पार्क ओवरसीज़ ईस्ट बहुत छोटा सा ब्लॉक है, इसकी एक्नॉलेजमेंट्स लास्ट ईयर दे दी गई थी और बैलेटिंग 30 मई को होना है। 30 मई के बाद जो जो यहाँ पर रीसेल में प्लॉट ले लेगा वो बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न पाएगा। ये सामने विलाज जो देख रहे हैं ये वो विलाज हैं जो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने 84 लाख रुपीज़ के लॉन्च किए थे 5 मरला के आज से 2 साल पहले। अब करंटली ये रीसेल के ऊपर प्रॉफिट के ऊपर हैं अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख रुपए, जिसमें ये बीच में जो ग्रीन पैच है ये रिसेंटली कैपिटल स्मार्ट सिटी ने यहाँ पर डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया है। ये था सेक्टर ई, यहाँ पर आप विलाज देख रहे थे। अब हम जा रहे हैं सेक्टर ई को क्रॉस करते हुए सेक्टर एच में। ये जो बीच में आप नीचे एरिया देख रहे हैं नॉन डेवलप्ड, ये सेक्टर जी है जिसकी लैंड अभी तक कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट एक्वायर नहीं कर पाई। सेक्टर जी के साथ सेक्टर एच आपकी स्क्रीन के ऊपर, जिसको रिसेंटली 4 से 6 माह के अंदर डेवलप किया गया है। सेक्टर एच में भी ये छोटा सा पैच आप ग्रीन का देख रहे हैं ये नॉन एक्वायर्ड है, जबकि रिमेनिंग 60% ब्लॉक पर पोजीशन दे दी गई है। हम उम्मीद करते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी विद इन अ ईयर इस छोटे पैच को भी एक्वायर करके सेक्टर एच में मुकम्मल पोजीशन देने की कंडीशन में हो जाएगी। सेक्टर एच पर जब फर्स्ट टाइम मशीनरी डिप्लॉय हुई थी तो उसकी वीडियो सबसे पहले मैंने ही अपने चैनल पर शेयर की थी और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस था। इसके बाद ओवरसीज सेंट्रल की वीडियोस भी मैं बाकायदगी से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर ओवरसीज़ ईस्ट में करंटली अप्रॉक्सीमेटली 70% लैंड पोजेशन में आ चुकी है और ये जो ब्लॉक आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये है सेक्टर डी जो कि कम्प्लीटली सोल्ड आउट है और ये विलास का सेक्टर है। ट्रिवलिस स्मार्ट होम्स जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में एक्सक्लूसिवली सेल हुए थे और यहाँ पर लॉन्चिंग प्राइस ही 5 मरला की 1,10,00,000 रुपए थी। ये नीचे जो आप बाउंड्री वॉल्ड एरिया देख रहे हैं ये छोटा सा कब्रिस्तान है जो कि एक्वायरेशन के साथ ही कैपिटल स्मार्ट सिटी ने इसको डिमोलिश नहीं किया बल्कि इसको एज इट इज़ प्रोटेक्टेड एरिया कर दिया है। इसके अलावा रिसेंटली जब मैं इवेंट पे आया था कैपिटल स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट में तो यहाँ पर ये जो पोल्स यहाँ पर कैपिटल स्मार्ट सिटी ने न्यूली इंस्टॉल्ड किए हैं इनके ऊपर स्मार्ट सेंसर बेस्ड लाइट्स की इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो चुकी है। आपकी वहीकल जैसे ही नियर बाय पोल्स जाती है तो लाइट्स की आउटपुट बढ़ जाती है। जी व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। हार्मनी पार्क ओवरसीज़ ईस्ट के मैप के लिए मेरे ऑफिशियल नंबर पर व्हाट्सएप करें 0331-344-004 और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।